तो माय डियर, मैं राजेश कुमार और द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप मैथमेटिक्स तो पढ़ रहे हैं, सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ ही रहे हैं आप, बट मुद्दे की बात ये है यार कि सिलेक्शन कैसे होगा। बात कुल मिला के मुद्दे की बात यही तो है कि सिलेक्शन कैसे होगा। हर व्यक्ति इसीलिए, हर स्टूडेंट इसीलिए तो पढ़ रहा है कि सिलेक्शन कैसे हो और जल्दी कैसे लगे। जैसे स्टूडेंट का साल पे साल लग रहा है, टाइम पे टाइम लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, इस बात को समझना है। तो आज उस पर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं पहले आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा, फिर मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा कैलकुलस प्रोग्राम चलेगा, यानी कि कैलकुलस प्रोग्राम मतलब कैलकुलेशन का प्रोग्राम चलने वाला है, जो आपको 15 वीडियो में मिलेगा, 20 वीडियो में, जितनी वीडियो हो सकती है मैं बनाऊंगा। इसका नाम है इंस्पेक्टर बूस्टर। ध्यान दीजिए, कैलकुलस प्रोग्राम चलेगा, इसमें बेसिकली आपको कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। इसका नाम दिया इंस्पेक्टर बूस्टर, यानी जो जिससे आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, बात समझने वाली है, बात बहुत मुद्दे की है। मैं ये कह रहा हूं कि यार आपने देखा होगा कि कोचिंग तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं और पढ़ भी बहुत सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन थोड़े ही बच्चों का हो पाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, फाइनली बात आती है किसकी, परफॉर्मेंस की। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फाइनली बात किसकी होती, परफॉर्मेंस की, यानी कि पेपर में जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि जिसको सिलेक्शन, देखिए दो चीजें हैं, एक है कॉन्सेप्ट, मैं यहां चीजें लिख रहा हूं, एक है कॉन्सेप्ट और इसका दूसरी चीज क्या, परफॉर्मेंस। आप ये मत सोचिए कि जो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाया या दो नंबर चार नंबर से रुक गया या किसी कारणवश नहीं सिलेक्ट हो पाया, उसको कॉन्सेप्ट नहीं आते थे। ऐसा नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसने पेपर में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि उसको आते नहीं, आते हैं, लेकिन उसके पास क्या चीजें नहीं थी, दो चीजें नहीं थी, एक स्पीड नहीं था और दूसरा उसके पास क्या नहीं था, परफॉर्मेंस था। देखिए, अब इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता कि आपको सारी चीजें आती हैं, अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको सब कुछ आता है और सबसे पहले आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर कोई 30 सेकंड में बताता है और आप भी 30 सेकंड में बताते हैं तो यहां आपकी लीड नहीं है, आपकी लीड वहां है कि अगर वो 30 सेकंड में बताता है, अगर उस क्वेश्चन को आप 25 में बताते हैं, 20 में बताते हैं, तो वहां आपकी जीत है, वहां आपकी लीड है। इस बात को समझना पड़ेगा, जब आप मेंस देंगे तो इस चीजों को रियलाइज करेंगे, आप सीखेंगे कि कैसे आसान क्वेश्चन पे हम टाइम बचाएंगे और वो आसान क्वेश्चन के जो बचे हुए समय है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो समय वास्तव में टाइम टेकन होते हैं। ये हवा हवाई वाली बात मैं नहीं करने वाला हूं कि 5 सेकंड में कर दूंगा, 4 सेकंड में कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो बेसिकली चीजें हैं, मैं हर बार मेंस दे रहा हूं सिर्फ इस बात के लिए कि आप इन चीजों को समझा पाऊं और आप समझ पाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम 5 सेकंड 10 सेकंड में किया जा सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन किया जा सकता है जिस क्वेश्चन को आप बार बार, कई बार आप किए हों। ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई स्टूडेंट या कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन उसके सामने पहली बार आए और कर दे। नहीं, कोई भी स्टूडेंट तभी वो पहली बार कर सकता है, देखिए, जब उस क्वेश्चन को 5 सेकंड 10 सेकंड में तभी करता है जब उससे पहले उसने उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए रहते हैं, उसकी नजरों के सामने से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए गुजर गए होते हैं। मैं इस बात को बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, बेसिक और जो आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, ये तो होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे। बेसिक और कॉन्सेप्ट तो होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो आप कहते हैं ट्रिक फॉर्मूला जो है, और कुछ हम एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, जैसे सीजीएल मेंस वाले लड़के कुछ कैट का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई इस बार का पेपर टफ आने की संभावना है या आ सकता है, या पिछले बार का टीसीएस का क्या ट्रेंड रहा है, हम उस ट्रेंड पे काम करें। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडवांस टाइप पे काम करते हैं, वास्तव में काम करना भी चाहिए, बात क्लियर, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ये आपके पास अगर सिर्फ ये दोनों ही चीजें हैं ना, तो सिर्फ आपका 70% ही आप मैथमेटिक्स को कर पाएंगे। आप अगर सोचें 100 में से 70 क्वेश्चन ही कर पाएंगे मेंस के, अगर 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं तो पेपर सॉल्विंग अप्रोच, कुछ पेपर सॉल्विंग अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है। ये पेपर सॉल्विंग अप्रोच जो है मैथमेटिक्स के हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स तो आना ही है, तो उन हर स्टूडेंट के लिए है कि पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या है।
मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा और हर एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो लेके आऊंगा, उस पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर, मैं आपको ये बताऊंगा कि उस पर कैसे आपको इंप्लीमेंट करना था, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट यानी गुणज का नियम, दूसरा आप ध्यान दीजिए लिखा है डिविजिबिलिटी, तीसरा आपको है रेशियो कॉन्सेप्ट, चौथा आपका है यूनिट डिजिट, पांचवा आपका दिया गया लास्ट टू डिजिट, यानी कि जब लास्ट डिजिट सबके बराबर होते हैं, जब मान लीजिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और सबके यूनिट डिजिट बराबर हैं तो हम किस पे काम करते हैं, लास्ट टू डिजिट पे। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको जस्ट पढ़ाने वाला हूं, जब मैं एलसीएम एससीए पढ़ाऊंगा तो इसका यूज होगा। मेंटली कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है मेंटली कैलकुलेशन, जब तक आपका दिमाग, जब तक आपका ब्रेन बूस्टर की तरह नहीं होगा तब तक आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे, ये बात सत्य है। देखिए सत्य आपको कड़वा लगेगा लेकिन ये सीखिए जानिए कि जब तक आपको मेंटली कैलकुलेशन नहीं आएगा आप मैथमेटिक्स से नहीं जीत पाएंगे। मैथमेटिक्स का मतलब आपको सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, ब्रेन में, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। तो मैं कुछ पेपर अप्रोच के वीडियो बनाऊंगा और कुछ कैलकुलेशन के वीडियो बनाऊंगा, मैं सारी चीजें पहले वन बाई वन करके सुनिए। उसके बाद रेंज, ऑप्शन पे कैसे हम रेंज लेते हैं वो भी चीज मैं आपको यहां से सिखाऊंगा। वर्क ऑन ऑप्शन, ऑप्शन को कैसे आपको देखना है। उसके बाद आता है यूनिट डिजिट और लास्ट में क्या आता है, अच्छा यूनिट डिजिट हमने दो बार लिख दिया कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आता है, अच्छा ये छोटा दीजिए, बात क्लियर हो पाया। इतने आपको टूल्स हैं ये आपको यूज में लेने हैं, बात क्लियर हो पाई है। अब देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी, रेशियो कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, मेंटली कैलकुलेशन, रेंज और वर्क ऑन ऑप्शन, इन सबका मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें आप देखेंगे कि किस क्वेश्चन में मैं मल्टीपल लगा सकता था, डिविजिबिलिटी लगा सकता था, रेशियो लगा सकता था, यूनिट लगा सकता था, या इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को लगा के हम क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप वही बेसिक से जाएंगे तो वहां समय लगेगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं आना चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए, लेकिन ये पेपर सॉल्विंग अप्रोच है, इस बात को समझिए। यहां से दूसरी चीजें क्या है, अगर ये सारा चीज आपके पास आ गया, ये सारे कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट पे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा होगा। तो मेरा जो चल रहा है कैलकुलेशन प्रोग्राम, कैलकुलेशन प्रोग्राम का मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। तो इसके अलावा अभी ये जितने आपके पॉइंट दिख रहे हैं इसके अलावा मैं आपको कम से कम 15 पॉइंट में कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप कैसे, हाउ टू फाइंड फास्ट परसेंटेज, दो नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे इसके अलावा, ठीक है। और इसकी भी आपको सेपरेट वीडियो मिलने वाली है, इसकी भी आपको वीडियो मिलेगी और कैलकुलेशन की। तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कैलकुलस प्रोग्राम, इसकी आपकी अलग से वीडियो मिलेगी। देखिए होता क्या है कि जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और जो नहीं होता है उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का अंतर होता है सेलेक्शन से और नहीं सेलेक्शन से, बाकी जिसमें 10-20 का डिफरेंस है फिर वो तो कंपटीशन से ही बाहर है। भाई मैंने कहा कि जो स्टूडेंट एक नंबर दो नंबर वाला ही कंपटीटर है आपका, कि कोई दो नंबर से फेल हो गया कोई दो नंबर से सिलेक्ट हो गया, बाकी जो 20 नंबर से नहीं सिलेक्ट हो पाया वो तो कंपटीशन के पहले ही बाहर है, उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन उससे है जो एक नंबर या दो नंबर से फेल होते हैं, बात क्लियर है। उनको हमें क्या करना है, पास कराना है। ध्यान दीजिए मैंने कहा कि मैंने इसके अलावा मैं आपको कैलकुलस का प्रोग्राम सिखाने वाला हूं, कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर आपके पेपर में कैलकुलेशन, देखिए मैथमेटिक्स में तो हर पॉइंट पे हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, बिना कैलकुलेशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, अगर वाई दी में यहां से कैलकुलेशन आपने स्टार्ट किया और यहां तक किए और अगर बीच में कहीं एक पॉइंट मिस्टेक हो गया ना और आंसर नहीं आया तो आपका यही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद होता क्या है आप पे प्रेशर आ जाता है अगले क्वेश्चन का, क्यों कि यहां हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया और क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो अगले क्वेश्चन का भी प्रेशर आ जाता है, और कहीं गलती से अगले क्वेश्चन में भी अगर कैलकुलेशन गलती हो गई ना तब तो आपका कहानी कुछ और हो जाएगा।
तो मैं वही चीज सिखाना चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन, अगर जिसका फास्ट है मैथमेटिक्स में, उसके पास तो बहुत ज्यादा लीड है। तो मैं आज बेसिकली कैलकुलेशन पे बात करूंगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग करना है, कैलकुलेशन में क्या क्या जल्दी हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कैलकुलेटर बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो बेसिक चीजें हैं, जो पेपर में आते हैं, जो पेपर में आए हैं, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ सर ऐसे पेपर में आते हैं। जो बातें फैक्ट हैं उन्हीं बातों पे मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं कि जो बहुत अट्रैक्टिव हो और आपको देखने में अच्छा लगे, लेकिन अगर उसका पेपर से कोई रिलेशन नहीं है तो उस चीजों का डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, स्टार्ट करता हूं मैं एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन से, ऐसे करके मैं चीजें स्टार्ट करता हूं। पहले तो मैं आपका मेंटली कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे एक नंबर लिखता हूं, ध्यान दीजिए, मैंने एक नंबर लिखा है, आप बात समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ आपको क्या करेगा, आपके दिमाग को बूस्टअप करेगा आपका। देखिए होता क्या है कि जो काम आप नहीं किए आज तक आप 25, 26 साल, 24 साल, जितने भी साल के हो गए, 20, 22 साल के जितने भी हो गए, आपने कभी भी अपने दिमाग पर जोर नहीं डाला था। आपको 24 और 34 जोड़ना था तो आपने पेपर पे 24 प्लस 34 लिखा और जोड़ के उसका आंसर बता दिया और खुश हो गए। बात क्लियर? लेकिन अब बात वहां नहीं है, बात अब यहां सिलेक्शन की है, बात यहां अब नौकरी की है। तो यहाँ आपको अब बात ऑनलाइन एग्जाम का है, अब सारे एग्जाम ऑनलाइन है, ना तो आपके पास पेपर है, ना ही आपके पास पेन है। पेपर पेन का जो जितना ज्यादा यूज करेगा वो उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि देखिए स्क्रीन से फिर नीचे लिखने में बहुत ज्यादा समय का नुकसान होता है। पहले मैं आपके दिमाग को ओपन करूंगा कि आपका दिमाग कितना तेज है। अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि क्या आप हमारे साथ तैयार हैं। देखिए, जैसे बेसिकली होता क्या है, ऐसे स्टूडेंट जोड़ते हैं, तीन, तीन और पांच आठ, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह और चार उन्नीस, ये जो बीच का और है ना, ये तीन और पांच आठ, आठ और सात पंद्रह, ये और नहीं। जैसे इंग्लिश के स्टूडेंट है, थ्री एंड फाइव एट, एट एंड सेवन फिफ्टीन, ये जो एंड है, जो और है। अब देखिए, आप छोटे बच्चे नहीं है, अब आप बड़े हो चुके हैं, तो आपको ये तीन और पांच, ये जो और है ना, तीन और पांच, पांच और सात, ये और नहीं लेना है, एंड और की बात अब यहां नहीं है। आपको कैलकुलेशन करना कैसे है, आज पहली क्लास है, तो मैं आपका पहले मेंटल डेवलप करूं कि आप पहले अपने माइंड को ओपन कीजिए, फिर आप हमारे साथ तैयार हो पाएंगे कैलकुलेशन के लिए। देखिए, ध्यान दीजिए, आपको कैसे करना है, तीन पांच आठ सात पंद्रह ऐसे जोड़ना है, तीन आठ पंद्रह उन्नीस चौबीस अट्ठाईस इकतीस अड़तीस बयालीस और आठ पचास, ऐसे आपको करना है। यानी आपको जो और वर्ड है ना उसको घटाना है। फिर से देखिए, एक बार आपको ऊपर से जोड़ना है और एक बार आपको नीचे से जोड़ना है। अगर ऊपर से भी जोड़ने से उतना ही आता है और नीचे से भी उतना ही आता है, इसका मतलब आपने सही जोड़ा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से जोड़ना, चार बारह उन्नीस बाईस छब्बीस इकतीस पैंतीस बयालीस सैंतालीस पचास। देखिए, हो सकता है कि आप पहली बार ना जोड़ पाए या गलत हो जाए या ज्यादा समय लग जाए, तो परेशान नहीं होइए, अभी आपके पास ऐसी आदत नहीं थी। देखिए, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको डीआई पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि डीआई में कितने जोड़ आते हैं, और वो सारे जोड़ को मैं स्क्रीन पे ही करता हूं, मैं कभी पेपर पेन का यूज नहीं करता हूं, स्क्रीन पे ही जोड़ता हूं। हाँ, करता हूं जहां बहुत जरूरत होती है, वो मैं चीज आपको सिखाऊंगा। देखिए, मैं कुछ नंबर और लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया ये, मैंने ये नंबर लिखा, एक बार आपको ऊपर से जोड़ना है, एक बार आपको नीचे से जोड़ना है, और नहीं जोड़ना है, और को नहीं लेना, ऐसे जोड़ना है। देखिए, चौदह इक्कीस सत्ताईस बत्तीस छत्तीस इकतालीस उनचास तिरपन साठ और अड़सठ, कितना जोड़ दिया आपने, 68। देखिए आपको कैसे जोड़ना है, 68, कितना जोड़ा आपने, 68। अब एक बार नीचे से जोड़ना है, क्या ये 68 आ रहा है, अगर 68 आ रहा है तो हम सही है। देखिए, पंद्रह उन्नीस सत्ताईस बत्तीस छत्तीस इकतालीस सैंतालीस चौवन साठ और कितना होगा, 68। बात क्लियर? यानी कितना आ गया, नीचे से भी 68, ऊपर से भी 68, इसका मतलब हमने सही जोड़ा है। तो पहले आप ऐसे रख के जोड़िए, आप जितना फास्ट हो सकते हैं उतना फास्ट होने की कोशिश करिए, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशन सिखा दूंगा ताकि आपका कैलकुलेशन गलत ना हो। इवन मैं बताऊं, आप तुरंत, कोई बोलेगा कि 24 गुणे 32 कितना हुआ, आप तुरंत बता देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने बताया है जो गलत बताया कि सही बताया, लेकिन जो बताया है आपने सही बताया है। मैं आपको इस लेवल पे तैयार करने वाला हूं, ध्यान दीजिए।
मैं कुछ और नंबर लेता हूं। चलिए चलिए इतना नंबर है। अब एक बार आप ऊपर से जोड़ेंगे, एक बार आप नीचे से जोड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए, और इससे आपका दिमाग और तेज होगा। चलिए देखिए कैसे जोड़ना है। 12, 20, 24, 27, 32, 36, 39, 47, 54, 60, 64, 67, हमने कितना जोड़ दिया, 67। बात क्लियर, 67। अब ध्यान दीजिए, इसको एक बार नीचे से वेरीफाई करेंगे, हमको कुल मिला के अगर गलत भी हो जाएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको बेसिकली यहाँ चीजें सीखनी ही है। गलत होगा तभी तो सीखेंगे। अगर हमको सब कुछ यहाँ आता, या अगर हम सब कुछ ऐसे फास्ट जोड़ लेते 2 सेकंड में, तो फिर क्यों सीखते, हम आपको क्यों बता रहे होते। मुझे पता है कि आपको नहीं आता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए जोड़ना कैसे है। 7, 13, 20, 28, 31, 35, 40, 43, 47, 47 और ये कितना हो जाएगा, 55, 60 और कितना होगा, 67। बात क्लियर, ऐसे जोड़ना आपको। फिर से देखिए, 7, 13, 20, 28, 31, 35, 40, 43, 47, 55, 60, 67। बात क्लियर, इस हिसाब से आपको जोड़ना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, एक बार ऊपर से लीजिए, 12, 20, 24, 27, 32, 36, 39, 47, 47 कितना, 54, 60, 64, 67। बात क्लियर, इस हिसाब से जब आपका माइंड खटखट 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 जब चलना शुरू हो जाएगा, तब आप कहीं इंस्पेक्टर बन पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, ऐसे जोड़ने से हो जाएगा, 5, 5 और 7, 12, 12, 12, 12 और 8, 20, 20 और 8, 24, 24, 24, 24, 23, ऐसे जोड़ने से हो जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 14 + 12 कह दीजिए तो उंगलियों पर जोड़ना शुरू कर देते हैं, 14 ऐसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ऐसे इंस्पेक्टर नहीं बना जाता है। और अगर आप उंगलियों पे गिन रहे ना, तो अभी आपके सिलेक्शन में टाइम है, अभी आप 2 साल रुकिए। बात को ध्यान से समझिए, मैं वही चीजें आपको यहाँ बूस्ट करने आया हूं, ताकि आप पहले तो कैलकुलेशन में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद पेपर सॉल्विंग अप्रोच जो मैंने आपको बताया था इधर 10 पॉइंट, तो मैं आपको कम से कम 20 पॉइंट कराने वाला हूँ। 10 पॉइंट तो पेपर सॉल्विंग अप्रोच हो जाएंगे हमारे, और 15 पॉइंट हमारे कैलकुलेशन के हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, शिफ्टिंग है, हाउ टू फाइंड परसेंटेज है, तो बहुत सारे कैलकुलेशन है। वो सारे के सारे मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपका ज्योमेट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ आप कैलकुलेशन पे भी तैयार होते रहे। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन से, ताकि आप पहले तैयार हो जाएं, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग लेते हैं एडिशन का, आज हमारा पहला टॉपिक है कैलकुलेशन में, आज हमारा कैलकुलेशन में पहला टॉपिक होगा एडिशन का, एडिशन का। तो बहुत हम ध्यान से जोड़ेंगे, पहले 2 नंबर में 1 नंबर, फिर 2 नंबर में 2 नंबर, फिर 3 नंबर में 2 नंबर, फिर 3 नंबर में 3 नंबर, है कि नहीं। मैंने बोला कि मैं आपको सिर्फ वही चीजें सिखाऊंगा जिसका रिलेशन आपके एग्जाम से हो, यानी जो आपके फ्रूटफुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि जो बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत मजा आता हो, मैं आपको कैलकुलेटर बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये सब हवा हवाई वाली बात नहीं। मैं बेसिकली वही बातें करूंगा जो मैंने यूज किया है और जो आपको यूज करना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं कुछ नंबर ले रहा हूं, पहले मैं बेसिक लिख रहा हूं, फिर आपसे मैं बोलूंगा। देखिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, पहले मैं 2 नंबर में 1 नंबर को ऐड कराता हूं आपसे, चलिए कुछ बेसिक लिया मैंने। अब 28 7 कितना हुआ, 28 और 7 कितना हुआ। तो कई लड़के तो ऐसे हैं 28 के बाद 29, 30, 31 ऐसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको ऐसे नहीं जोड़ना, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे शुरू हो जाते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये पेपर का अप्रोच है क्या, आप ये सिलेक्शन का अप्रोच है, नहीं है। आपको सब कुछ मेंटली करना है, 28 का कितना हुआ 35, 36, देखिए जोड़ना कैसे है, 28 7 35, आपका दिमाग इतना फास्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि इसमें से 2 को तोड़ के आप इसमें ले आए, 5 उधर बचा हुआ है, तो 30 5 35। यानी कहने का मतलब, इतना सारा हमने काम भी किया और दिमाग को हवा भी नहीं लगने दिया, पता भी नहीं चलने दिया। जैसे हमने देखा 46 में से गया 45, अब देखिए 36 में से हमने 10 जोड़ा, 46 एक ज्यादा जोड़ा तो एक कम करेंगे 45, यहाँ 47 में से गया कितना 46, 37 10 47 एक गया 46, यहाँ कितना हो जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा 78, ये कितना हो जाएगा 85, सब कुछ देखिए। अब हमने इसको जोड़ा, 78 7 कितना हुआ 85 होगा ना, तो हमने क्या किया, 2 को इधर शिफ्ट किया और 78 2 80 और 5 85, यानी ये सब कुछ करना है और आपको पलक झपकते ही करना है।
देखिए इन सब सारा यूज, मैं कुछ और नंबर लेता हूँ और आप हमें बताएं। अभी हम कुछ दिन में लाइव आने वाले हैं, हम लोग का लाइव चलेगा, तो मैं आपसे कमेंट में बात भी करता रहूंगा और आप उसका कमेंट में हमें जवाब भी देते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां दो नंबर में एक नंबर, अब हम बात करते हैं दो नंबर में दो नंबर को। आज हमारा सिर्फ टॉपिक रहेगा एडिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तो आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, और अगर आप सीख भी गए तो पेपर में परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। मैं ये आपको वादा दिलाता हूं, वादा करता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए और 20 दिन आप सिर्फ कैलकुलेशन पे काम कीजिए, फिर 20 दिन बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो वास्तव में बहुत ही एक अव्वल दर्जे का हो जाएगा। अब मैं आता हूं दो नंबर में दो नंबर को लेके। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपको मन करे वो लिख लीजिए। देखिए ये पेपर का अप्रोच है, पेपर में आता है, आपको डीआई में भी आएगा। अरे जब आप डीआई पढ़ेंगे, मैं पूरी डीआई पढ़ाऊंगा आपको, डीआई में आपके आता है ना, यहाँ ए दे देगा, यहाँ बी दे देगा और ऐसे सारे डाटा दे देगा, 44, 46, 56, 42, 48, 44, 43, 42, ऐसे बहुत सारे डाटा देंगे वहाँ। तो जब हम डीआई पढ़ेंगे तीन चीजों को समझेंगे, अभी हम लोग डीआई तो पढ़ नहीं रहे, डीआई का यूज कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन में। देखिए डीआई का मतलब क्या हुआ, हर पेपर में डीआई से आने हैं 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मेंस में तो 8-8 क्वेश्चन डीआई है, सीपीओ में 5 क्वेश्चन डीआई है, यूपीएसआई में भी 5 क्वेश्चन डीआई है, यानी बिना डीआई के कोई पेपर तो है नहीं, और डीआई इज द टोटली डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको कैसे जोड़ना है। अब कई स्टूडेंट है जो नीचे ऊपर रख के जोड़ते हैं ऐसे 72 + 36, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना आपको, बात क्लियर है। देखिए ध्यान दीजिए आपको कैसे जोड़ना है, देखिए पहले आप दहाई और दहाई के स्थान को जोड़ेंगे, यानी इसको इन दो नंबरों को, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 36 लिखा है, ये 3 है, ये 6 है, इस 3 का मतलब हुआ 30, बताइए ये जो 3 लिखा हुआ है इस 3 का मतलब हुआ 30, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है ना, आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां 36, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 30 + 6, यानी ये दहाई के स्थान पे है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को, ये 4 दहाई के स्थान पे किसको, 40 को, ये 7 किसको, 70 को, ये 7 किसको, 70 को, 8 किसको, 80 को, तो जो दहाई के स्थान पे होता है उसके आगे हम 10 खुद ब खुद लगा लिया जाता है समझने के लिए। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, देखिए तो 70 30 100 और 6 2 8 108, बात क्लियर है, कितना हो जाएगा 108 डायरेक्ट आपको लिखना है। यहाँ कितना हो जाएगा 40 30 70 और 9 79, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 11 91, बात समझिए 40 40 80 और कितना हो जाएगा 11 91। तो आपने जोड़ा भी सब कुछ क्या कहाँ किया, दिमाग के अंदर, आपका दिमाग का प्रोसेसर चल रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा 100 107, यहाँ कितना हो जाएगा 90 और 12 102, देखिए 80 और 10 90 और 9 3 12, तो 90 12 102, यहाँ कितना हो जाएगा 7 4 11 110 और 7 117, यहाँ कितना हो जाएगा 80 और 13 93। जब इस हिसाब से आपका दिमाग का प्रोसेसर काम करेगा तो फिर आपका टक्कर कौन देगा, तब आपका कोई टक्कर नहीं देगा, है कि नहीं है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, आप हमें बताइए, कुछ और मैं लेता हूं नंबर, फिर मैं तीन नंबरों में तीन नंबर, फिर मैं कुछ और चीजें, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसा लेता हूं, देखिए कैसे आपको करना, मैंने कहा पहले दहाई के स्थान को जोड़ना है, ये दहाई के स्थान पे 8 है इसका मतलब 80, ये 7 है इसका मतलब 70। देखिए कैसे करना है, 8 3 11, 11 का मतलब 110, 8 3 11, 11 का मतलब 110 और 6 6 12, 110 और 12 122, ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, कितना 122। यहां देखिए 8 7 15, 15 का मतलब 150 और कितना 9, तो 150 और 9 कितना होगा 159, यहाँ कितना होगा 9 8 17, 17 मतलब 170 और 10 180,
यहाँ कितना हो जाएगा 8, 7, 15 150 और 10 160, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 7, 16 160 और 9, 169, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 7, 15 और ये कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 4, 12 120 और 8, 128। तो जब आपका दिमाग का प्रोसेसर इस तरीके से काम करेगा तो आप कह सकते हैं कि अब मुझे नौकरी मिलने वाली है या मिल जाएगी। अगर आप इसको ऐसे जोड़ते हैं नीचे ऊपर रख के, तो बेटा अभी नौकरी लेने में आपको समय है, अभी थोड़ा समय और लगेगा, अभी आपको प्रैक्टिस करने की और जरूरत है। अगर आप ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं, जो उंगलियों पे काउंटिंग करते हैं 14 + 3 कितना हो 15, 16, 17, कई तो ऐसे भी हैं जो ऐसे करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप देखिए होता क्या है कि अभी आप 25, 26 साल या 20 साल जो भी हैं, आपने सीखा तो था नहीं, कभी आपने मेंटली कैलकुलेशन तो किया नहीं था, अब आपको मेंटली कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कोई भी चीज अगर 26 साल ना किया जाए, जैसे दिमाग का यूज जो है ना, अगर हम दिमाग का यूज ना करें, दिमाग का प्रॉपर यूज ना हो, तो दिमाग क्या हो जाएगा, एक दिन कम होते 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 शांत हो जाएगा, यानी आपका जो ब्रेन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा एग्जाम में या कहीं भी, एग्जाम मतलब कि परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा इससे वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, फास्ट होगा। तो वो चीजें आपने नहीं किया था, वो चीजें मैं आप करा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको तकलीफ होगी, नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप पेशेंस बना के वीडियो को छोड़िएगा मत, देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको अगर मैथमेटिक्स आपके पेपर में आता है तो आप कम से कम 10 मिनट डेली कैलकुलेशन करेंगे, और अगर आप वास्तव में 1 महीना तक कर लिए तो आपका कैलकुलेशन आप खुद ब खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा हो गया, और जैसे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा आपके मैथमेटिक्स में ऐसे ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा भी कहना है और बहुत सारे आज तक जितने टॉपर हुए हैं उनका भी कहना है, और वैसे मैं बता रहा हूं कि मैं ऑलरेडी खुद सेलेक्ट हूं, वो चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट मैं लेता हूं कि अगर मान लीजिए 3 नंबर में 2 नंबर जोड़ना आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं ऐसा मैंने ले लिया, या मैंने मान लीजिए ऐसा ले लिया, या मान लीजिए आपको कहीं ऐसा मिल गया पेपर देते समय, या मान लीजिए आपको कहीं ऐसा मिल गया, या कुछ और ले लीजिए 472 ले लें, चलिए 89 ले लेते हैं, और कुछ ले लें यहाँ ले लीजिए 372 + 84 ले लीजिए। अब आपको जोड़ना कैसे, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है और पेशेंस बना के सीखते जाना है। मैं आपको कैलकुलेशन की 20 वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, उन 20 वीडियो में 20 कॉन्सेप्ट रहेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को एक स्ट्रांग बनाएंगे और आप अपने मुकाम में सफल होंगे। देखिए ध्यान दीजिए कैसे इसको जोड़ना है। तो मैंने कहा था कि भाई अगर 2 अंकों की संख्या है तो पहले आप दहाई को जोड़ेंगे, मैंने बताया था ना पहले दहाई दहाई को, अगर नंबर 2 थे जैसे मैं अगर इसको कहूं, तो मैंने आपको बताया था पहले ये दहाई के स्थान वाले नंबर एक साथ और ये वाले एक साथ, 50, 20, 70 और 79 ऐसे ही बताया था ना मैंने, ये 2, 5, 7, 7 का मतलब 70, 5, 4, 9, 70, 9, 79 ऐसे ही तो बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन जब अब 3 नंबर में आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान दीजिए अगर मैं आपको 3 नंबर में प्रैक्टिस करा रहा हूं तो कैसे करना है। अब आप 2 तरीके से यहां जोड़ सकते हैं, एक तो 37 है ये, एक 37, तो 37 का मतलब 370 और 37 8 कितना हो गया 45, तो 45 का मतलब 450 और 6 456, यहाँ कितना होगा 35 8 43, 43 मतलब 430 और 15 445, यहाँ कितना होगा 45 और 1 46, 460 11 471, यहाँ कितना हो गया 56 और 2 58, 580 580 और 12 592, यहाँ कितना हो गया 46 और 7 कितना हो गया 53, 53 का मतलब 530 और 9 539, यहाँ कितना हो जाएगा 47 और 8 55, 47 8 55 यानी 550 और 11 561। अभी मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए पेशेंस बना के सीखते जाइए, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, 37 + 8 कितना होगा 45। अब आपको देखिए इसीलिए मैंने पहले एक एक नंबर, फिर दो दो नंबर, फिर तीन तीन नंबर, फिर मैं और बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में डिसऑर्डर हो सकते थे, कैसे पेपर में होते, वो भी चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो 37 और 8 कितना होगा 45, 45 मतलब 450 और 450 और 6 456,
35-8-43, अब आपको ऐसा नहीं 35-8 कितना होगा तो नहीं हो पाएगा, 35-8-43, 43 का मतलब 430 और 15 445, 45-1-46, 45-1-46, 46 मतलब 460 और 11 471, ये कितना हो जाएगा 56-2-58, 580 और 12 592, ये कितना हो जाएगा 46-7, 46-7 कितना होगा 53 और 53 की मतलब 530 और 9 539, यहाँ कितना हो जाएगा 47-8-55 और 55 के आगे कितना जोड़ देंगे 11 तो 561, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, लिख के नहीं करना है, बात क्लियर है। चलिए देखिए, अब मैं मान लीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको तीन अंकों में तीन अंकों का करना है उसकी भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आज सिर्फ मैंने एडिशन का लिया है, धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहां देखिए, अगर मान लीजिए तीन नंबर मैंने ले लिया, चलिए बहुत है इतना, देखिए आपको प्रैक्टिस करा, आपको मैं ये सिर्फ सिखा रहा हूं लेकिन आपको प्रैक्टिस अब डेली करना है घर पे 10 मिनट आज से, ठीक है 10 मिनट ज्यादा नहीं सिर्फ 10 मिनट। अब देखिए आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिए, अब तीन नंबर में तीन नंबर, तो पहले हम लोग क्या करते थे इकाई जोड़ते थे, और जब दो नंबर थे, मान लीजिए दो नंबर थे तो फिर हम लोग दहाई को एक साथ और इकाई को एक साथ, लेकिन अब यहां क्या करेंगे, यहां सैकड़े को एक साथ, ये चार का मतलब चार सैकड़े के स्थान पे है, इसका मतलब ये 400 है, ये सैकड़े के स्थान पे इसका मतलब 800, ये सैकड़े के स्थान पे सात इसका मतलब 700 है, ये पांच दहाई के स्थान पे इसका मतलब 50 है, क्योंकि 753 को आप कैसे लिखते हैं 700 प्लस 50 और प्लस 3, सात अगर सैकड़े के स्थान पे है तो 700, पांच अगर दहाई के स्थान पे है तो 50 और 3 कहां इकाई के अंक पे, बात समझ में आ रहा है। तो आप इसे कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे जोड़ना आपको 549, पहले सैकड़े के स्थान पे 549, 9 का मतलब 900 और 6 6 12, 12 मतलब 120, तो 900 और 120 कितना होगा 1020, और प्लस 7 8 15 तो कितना हो गया 1035, सॉरी 7 8 15 हुआ ना ये, तो कितना हो गया 1035, आपको ऐसे जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, 8 5 13 तो आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 8 5, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और ऐसे आपका कैलकुलेशन आ गया और आप अब शुरू कर दिए ऐसे रख के जोड़ना, तो ये देखिए बहुत गलत बात है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, यही आपको करना है 8 5 13, 13 को आप लिख सकते हैं, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतना लिख सकते हैं 1300, 7 6 13, 13 का मतलब 130 और ये लिख सकते हैं 8 और 4 12, तो 13 14, 1400 कितना हो जाएगा 42, बात समझ में आ रहा है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, 8 8 1600 और 8 7 15, अब दिमाग में थोड़ी सी होल्डिंग पावर भी रखनी है, थोड़ी अपने ब्रेन में होल्डिंग पावर रखनी है ताकि दिमाग में होल्ड करना है, कैसे 8 8 1600 का मतलब 1600, दिमाग में थोड़ा होल्ड करिए 1600, 8 7 15 मतलब 150, तो 1600 और 150 1750, 1750 और 11 1761। अब देखिए मैं आपको होल्डिंग पावर भी साथ के साथ सिखा रहा हूं, आपको अपने दिमाग में थोड़ी सी होल्डिंग पावर रखनी है। होता क्या है आपके साथ, किसी भी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब नया नया कोई चीज प्रैक्टिस की जाती है तो वही होता है, जब तक आप अगले डाटा पे जाएंगे तब तक पिछला डाटा मिस हो जाता है, आपसे ही होता होगा, लेकिन आप इससे परेशान ना होइए, आप इसको पेशेंस बना के सीखते जाइए सीखते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपने कंप्यूटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मैं लेता हूं 7 4 11, 1100 को होल्ड रखना है एक सेकंड के लिए, 5 1 6 कितना होगा 7 4 11 और 5 1 6 तो 1160 और ये कितना होगा 7 तो 1167, यहां क्या हो जाएगा 7 3 10 1000, 8 7 15, 15 का मतलब 150, तो 1000 और 150 1150 और यहां हो जाएगा 7 1157, यहां कितना हो जाएगा 8 7 1500, 1560 और 5 1565। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब देखिए आपको एडिशन में आपको शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, देखिए शिफ्टिंग मेथड का यूज हम लोग डीआई में करेंगे,
जब पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना पेपर के पूरी डीआई कैसे सॉल्व होगी, कैसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मतलब कि कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एडिशन कैसे जल्दी होगा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये जोड़ना है, इसको मान लीजिए आपको जोड़ना है, तो हमने कहा कुछ शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जो ये चार फालतू है मैं ये चार इसको दे देता हूँ, ये भी 100 हो जाएगा। जो ये 27 फालतू है 27 में इसको देता हूँ, ये भी 100 हो जाएगा। तो 100, 200, 300, 400, 500, 920, बात क्लियर है। शिफ्टिंग का मेथड हम लोग डीआई में यूज करते हैं, वो मैं चीजें बताऊंगा आपको। देखिए अभी आप नहीं समझ रहे होंगे, समझिए यहाँ से, फिर से मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, शिफ्टिंग मेथड आपको सिखाता हूँ। 88 प्लस 96 प्लस 112 प्लस 104 प्लस 220 प्लस 80, ध्यान दीजिए। इसको जोड़ना तो कैसे, ये चार अगर इसको दे देगा तो ये 100 हो जाएगा और ये इसको 100 हो जाएगा। तो 100, 200, 300, 400, 400, 200, 600 और ये इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, 700। बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये आपका शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जब डीआई पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों में बताऊंगा कि आप पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में कैसे शिफ्टिंग लगाएंगे, कैसे ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो जो मैं लूंगा उसमें सब्ट्रैक्शन लूंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर हाउ टू फाइंड फास्ट परसेंटेज, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।